दोस्तों स्वागत है आपका जीके जीनियस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट का जो चौथा रूप है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्णापूर्ण भूतकाल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन अर्थात पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह के वाक्यों के अंत में जब से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि शब्द जब आते हैं तब वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें समय की विशेषता होती है, ध्यान देना, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था ऐसे ही इसमें है। तो जैसे कि एग्जांपल है, मैं 4 बजे से यह किताब पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर क्लॉक। इसमें जो जब वाक्य निश्चित होता है तो सेंस का प्रयोग करते हैं से के रूप में, और जब अनिश्चित हो तब फॉर का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। इसका सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सहायक क्रिया के बारे में। तो इसका सहायक क्रिया जो है वो हैड बीन है, ध्यान रखना हैड अलग लिखना है और बीन अलग लिखना है। इसकी जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है, फर्स्ट प्लस ing का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसे हम क्रिया का फोर्थ रूप भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसका एग्जांपल है जैसे कि राम सुबह से सो रहा, इसमें देखो समय दिया हुआ है, सुबह दिया है, लेकिन इसमें ये निश्चित नहीं है कि सुबह कौन सी है, इसलिए राम सबसे पहले करता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया स्लीपिंग फॉर मॉर्निंग। फॉर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वाक्य अनिश्चित है। दूसरा वाक्य, वे सुबह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए दे हैड बीन प्लेइंग टू क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया है हैड बीन है। इसकी मेन वर्ब जो है मुख्य क्रिया वो फर्स्ट प्लस ing है। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे जो पहले हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो उसमें से सबसे पहले हेड रखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का उपयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। जैसे कि एग्जांपल हैं, क्या हम जनवरी 2010 से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सहायक क्रिया है वो हेड रखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे बी हेड बी, फिर उसके बाद बीन रखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया रीडिंग, फिर उसके बाद सिंस जनवरी 2010, क्योंकि ये वाक्य निश्चित है। तो हेड बी बीन रीडिंग सिंस जनवरी 2010, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अगला वाक्य है, क्या श्याम शाम से सो रहा है, तो इसी प्रकार हैड राम बीन स्लीपिंग फॉर मॉर्निंग, एक अनिश्चित है इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन रहेगी, मेन वर्ब सेम रहेगी फर्स्ट प्लस ing। इसका जो एग्जांपल है, इसमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। जैसे कि इसके एग्जांपल से समझते हैं, हम कल रात से नहीं सो रहे थे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम हैं इसलिए वी का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया जो स्लीप है उसका स्लीपिंग रहेगा, क्योंकि ये वाक्य निश्चित है इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंस टुमारो नाइट, मतलब कल रात से, वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो टू नाइट। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि हम कल रात से नहीं सो रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो नाइट। अब बात करते हैं इसके, मान के चलो बाक प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जैसे कि वाक्य है, क्या वह कल दोपहर 2 बजे से नहीं आ रहा था, ये वाक्य निश्चित है, इसमें दिया है कल दोपहर 2 बजे से, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया, फिर उसके बाद कर्ता जो है सब्जेक्ट है ही मतलब वह है, उसके बाद नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब जो कमिंग है, फिर उसके बाद निश्चित वाक्य इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, टुमारो आफ्टरनून 2 o'clock मतलब कल दोपहर 2 बजे से। तो ही हैड ही नॉट बीन कमिंग सिंस टुमारो आफ्टरनून 2 o'clock मतलब क्या वह कल दोपहर 2 बजे से नहीं आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, बहुत जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।